बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात का हम आगाज करेंगे। चार्ल्स ला कल हमने किया था, आज चार्ल्स ला का एक और चार्ल्स ला के एक और रिलेटिव आप कह लें कि आर्टिकल है, रिलेटेड आर्टिकल, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। तो हम आज एब्सोल्यूट जीरो जो है उसको डिराइव करेंगे और किस तरह से डिराइव करेंगे, चले हम उसको देखें। That is derivation of absolute zero. This is our topic today. एक statement है, that is quantitative definition of Charles Law. आपने Charles Law की definition पढ़ी कि volume of given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature. अब वो absolute temperature की directly proportional. Absolute temperature कौन सा होता है? That is temperature on the Kelvin scale. लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम का 273वां हिस्सा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कब? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। तो मुझे ये आपको समझाना है कि ये क्या कह रहा है। जी और फरमाइएगा, मान लीजिए आपके पास 273 सेंटीमीटर क्यूब है ऑफ ए गैस और वो है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जी बेटा, इस टेम्परेचर पर आपके पास 273 डिग्री सेंटीमीटर क्यूब है और टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं। वो कह रहा है वॉल्यूम बढ़ेगा 1/273वां हिस्सा, 1/273 पार्ट मीन 273 का 273rd पार्ट। वो कैसे निकालेंगे? 273 पे डिवाइड कर देंगे, दैट कम्स आउट टू बी 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 0 से, तो इसके अंदर इंक्रीज 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और वो हो जाएगा 274 सेंटीमीटर क्यूब। और दूसरा क्या था? अब ये मैं दूसरे के लिए कलर चेंज कर रहा हूं। डिक्रीज, हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं कितना? बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये -1 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम करेंगे तो बेटा जी वॉल्यूम में कमी आएगी और वो भी आएगी 273rd पार्ट। तो अगेन वो जो कमी है वो भी 1 सेंटीमीटर क्यूब होगी, तो वो हो जाएगा 272 सेंटीमीटर क्यूब। दोबारा से सुन लीजिए, ये बहुत अहम है। जो मर्जी वॉल्यूम ले लो, हमने कितना लिया? हमने इतना लिया। किसी भी गिवन मास ऑफ द गैस का वो वॉल्यूम या तो इंक्रीज होता है जैसे ये इंक्रीज हुआ, या डिक्रीज होता है जैसे ये डिक्रीज हुआ। कितना? 273rd पार्ट ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम ये था, इसका 273rd पार्ट ये बना 1 सेंटीमीटर क्यूब और एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ये राइज में इजाफा हुआ, फॉल में कमी, ठीक है जी। और इसको मैथमेटिकली बेटे हम जिस तरीके से जाहिर करते हैं कि आपके सामने ही इसका मैथमेटिकल रिलेशन है। आगे चलिए, तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा वेयर वी टी
is the volume of the gas at T degree centigrade. So गौर फरमाइएगा यहाँ पे हम T small दे रहे हैं, ठीक है. This is very important to mention here. Chemistry में जहां कहीं capital T होगा वो Kelvin में temperature होगा, और जहां कहीं small T होगा याद रखिएगा वो temperature degree centigrade. V naught, ये वाला, is the volume of the same mass of the gas at 0 degree centigrade. V naught 0 पे है. T, small t is the temperature that is in degree centigrade. अब यहाँ पे वही बात जो मैंने अभी चंद लम्हे पहले आपको यहाँ लिख के समझाई है, ये यहाँ पे वो टाइप है. Suppose we are taking 273 centimeter cube of a gas at 0 degree centigrade. And we increase its temperature. हम उसका temperature increase कर देते हैं by 1 degree centigrade. क्या पढ़ा अभी हम? कि temperature बढ़ाएंगे तो volume बढ़ेगा. Volume कितना बढ़ेगा? 273rd part. ठीक है जी? 273वां हिस्सा. तो वो जो 273rd part इसका volume बढ़ेगा, वहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि वो volume बढ़ गया और कितना बढ़ा जी? वो 273rd पार्ट जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा और इसका वॉल्यूम अब नया कितना बन जाएगा? 273 सेंटीमीटर क्यूब में जब 1 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा हो जाएगा तो दैट विल बिकम एज 274 सेंटीमीटर. जी बेटा, आगे हम बात को बढ़ाते हैं. सिमिलरली इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर कम कर दें, कितना कम करें? बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा. कम कितना होगा? और वो भी 273rd पार्ट, ठीक है. 273rd पार्ट 273 का क्या होगा? दैट वुड बी 1 सेंटीमीटर क्यूब और उसका वॉल्यूम बन जाएगा 272 सेंटीमीटर. तवज्जो फरमाइएगा, हमने वॉल्यूम कितना लिया? हमने वॉल्यूम जो आगाज पे लिया वो हमने लिया 273 सेंटीमीटर, ठीक है. इसका 273rd पार्ट, 273 का 273rd पार्ट दैट इज अगेन 1 सेंटीमीटर क्यूब. दोबारा समझा रहा हूं. तो बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ठीक है, कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया? 1. तो वॉल्यूम इतना बढ़ेगा और वो इतना बढ़ के तो वॉल्यूम कितना हो गया जी? 274 सेंटीमीटर. सिमिलरली अगर आप क्या करें, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, ठीक है. पहले हमने टेम्परेचर अब डिक्रीज किया, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा और वो कितना होगा? अगेन 1 सेंटीमीटर क्यूब ओरिजिनल वॉल्यूम का, और वो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था? दैट वॉज 273, तो उससे कम होके हो जाएगा 272 डिग्री. ये बात मैंने आपको 3 दफा समझाई. बात को आगे लेके चलते हैं बेटा. ये एक टेबल है जो आपकी बुक पे दिया हुआ है, मैंने उसी को रिप्रोड्यूस किया है. द सेम टेबल, थोड़ी सी मैंने अपनी सहूलत के लिए इसमें तब्दीली की है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ. कहता है टेम्परेचर, थोड़ा गौर फरमाइए, हम यहां से शुरू करेंगे 0 और वॉल्यूम कितना लिया? 546. अब ये डबल ले लिया, ये 273 का डबल है, 273 का डबल है, तो इसका 546 का 273वां हिस्सा क्या होगा? 546 को 273 पे बेटे डिवाइड कर दे, द आंसर इज 2 सेंटीमीटर. देखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम में इजाफा हुआ, कितना हुआ? 2 सेंटीमीटर. 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम में कमी हुई है और वो भी हुई है 2 सेंटीमीटर. हमने
वॉल्यूम है वो चेंज किया, वॉल्यूम चेंज करने पर अब नई कंडीशंस में जो चेंज होगा, इंक्रीज होगा वॉल्यूम में या डिक्रीज होगा वॉल्यूम में, वो फिर 2 cm³ होगा इस पर्टिकुलर केस में जो केस हम डील कर रहे हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को 10°C बना, एक के लिए इजाफा 2, तो 10 के लिए इजाफा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब अगर 10°C कम कर दें तो कमी भी कितनी होगी 20 cm। ठीक हो गया, अब बात को मजीद आगे लेके चलते। जी बेटा, हम क्या करते हैं, टेम्परेचर 100°C बढ़ा दें, 1 डिग्री के लिए इजाफा 2 cm³, तो 100 के लिए जो इजाफा होगा वो भी बेटे डबल, तो वो हो जाएगा 200 cm। और इसी तरह बेटा अगर 100°C टेम्परेचर कम करते हैं तो जो वॉल्यूम में कमी है वो भी 200 cm, क्योंकि एक के लिए अब 2 है सॉरी बात को मजीद आगे लेके चलते हैं। बेटा हम क्या करते हैं, 200°C टेम्परेचर बढ़ा दें, 200 जब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में इजाफा होगा 400, 546 में 400 जमा किया तो आपको नजर आ रहा है कितना है जी 946। और अगर 200 कम किया तो बेटा जो कमी है वो भी कितनी होगी 400 cm³। तो देख लें 546 में से 400 निकाला तो वो 146। बेटा आखिरी और वो बड़ा ही स्पेशल केस, वो क्या है, हम टेम्परेचर को 273°C बढ़ा, टेम्परेचर को 273°C बनाएंगे तो वॉल्यूम में इजाफा 273 का डबल दैट इज 546 हो। और अगर उलट करें, ठीक है जी, नेगेटिव 273 तक पहुंच जाए तो बेटा जी जो वॉल्यूम में कमी है वो कितनी हो जाएगी 546। बेटा जी 546 में से जब 546 ही निकल गए तो आपके पास जो वॉल्यूम बचा वो 0 हो गया। इसका मतलब है कि इस टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड में जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो 0 हो जाना चाहिए। जी जनाब, वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए। हमायल जी, क्या किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो सकता है? वॉल्यूम 0 नहीं। मैमूना साहिवाल से बेटा आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सोए हुए हो बेटे मैमूना? नहीं आ रही। जुहेब? नहीं सर, ये आइडियल सिस्टम हो जाएगा, वॉल्यूम कभी 0 नहीं हो सकता। आमना आपकी क्या राय बेटा?
वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकता. मैटर है, मैटर मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, वो जगह घेरेगी, ठीक है, जगह घेरेगी तो उसका वॉल्यूम होगा, उसका वॉल्यूम कभी जीरो नहीं. चलिए बात को आगे ले लीजिए बेटा. ये अगर आप राइट साइड पे देखिए तो मैंने टेम्परेचर केल्विन में कर दिया, दिस इज बी, दिस इज टी, बी को टी पे डिवाइड करें द आंसर इज टू, इस बी को इस टी पे डिवाइड करें द आंसर इज टू, इस वी को इस टी पे डिवाइड करें द आंसर इज टू, दैट इज वी बाय टी दैट इज इक्वल टू के, और ये आप देख रहे हैं सारे के सारे आंसर टू आ रहे हैं, दैट इज कांस्टेंट. ये जीरो जीरो पे डिवाइड करें तो इसका कोई आंसर नहीं. जी बेटा बात को आगे लेके चलते हैं. Yes. In this case, 546 centimeter cube of a gas are taken at 0 degree centigrade. तो मैंने अभी पिछले टेबल को डिस्कस किया, उसी को डिस्कस कर रहा हूँ दोबारा. Which is exactly twice of 273 centimeter cube and is being supposed for the sake of convenience. आसानी के लिए ये एक खास फिगर लिया गया. ये एग्जैक्ट दुगना है 546 273 का. At 273 degree centigrade, जो पिछले टेबल में सबसे ऊपर वाली वैल्यू, the volume becomes double. Volume double हो गया और वो कितना हो गया 1092. And it should practically zero, और वो zero हो जाता है सबसे नीचे वाली रॉ में, जो टेबल था आपके पिछले पेज पे, at negative 273 degree centigrade. It is important to mention that for every rise or fall of temperature by 1 degree centigrade, यहाँ increase or decrease हो रहा है 2 centimeter cube का. Why 2 centimeter cube? क्योंकि 546 का जो 273rd part है, वो 273rd part उसका 2 centimeter cube. It means at 100 degree centigrade, volume में 200 centimeter cube का इजाफा होगा. और एट नेगेटिव 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो डिक्रीज इन वॉल्यूम है वो भी 200 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और वो आप देख रहे हैं ये 340. चार्ल्स लॉ को अप्लाई करें. चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू वी टू बाई टी. इधर आ जाइए, हमने ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड लिया तो वॉल्यूम ले लिया उसका 566, ये पिछले टेबल से लिया, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया है तो वो 746 है. ये बराबर नहीं है, ये साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं है, साइन ऑफ इक्वालिटी के अंदर कट लगा हुआ. क्यों बराबर नहीं है जी महिरा? क्योंकि महिरा क्या सवाल पूछा मैंने, ए इक्वल क्यों नहीं है? क्या इक्वल क्यों नहीं है? ये दोनों वैल्यूज 566 ओवर 10 और 746 ओवर 100 ये इक्वल क्यों नहीं है, यही तो पूछा है, बताइए. इसलिए इक्वल नहीं है, मैंने अभी भी बताया था कि ये जो टी है ये कैपिटल है, और जो टी कैपिटल होता है मैंने बताया, अब मैं तीसरी चौथी दफा ये बता रहा हूँ कि वो सेंटीग्रेड वाला होता नहीं होता, केल्विन वाला. हमने ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में ले लिया, ये हमारी गलती है जिसकी वजह से ये प्राप्त है. अगला सेंटेंस देखें, अगला पैरा देखें, वही बात आ गई. बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट इक्वल, वो इक्वल नहीं है. सो चार्ल्स लॉ सीम्स टू नॉट टू बी ओबे, वो ओबे नहीं हो रहा. व्हेन टेम्परेचर इज टेकन इन सेंटीग्रेड, हेंस ए न्यू टेम्परेचर स्केल इज डेवलप. एक नई टेम्परेचर स्केल डेवलप की गई which is starting from negative 273, और negative 273 degree centigrade जो है वो आप जानते हैं that is zero of the Kelvin scale होता है, जिसको आप absolute zero कहते हैं.
कहते हैं चार्ल्स लॉ इज ओबेड व्हेन टेंपरेचर इज टेकन ऑन केल्विन. क्या किया, सेंटीग्रेड वाले को केल्विन में लिया तो 283, इस तरह 100 सेंटीग्रेड वाले को केल्विन में लिया तो 373. जब इसको फीड किया, ये देखिए जरा, इसको फीड किया तो ये कांस्टेंट के बराबर, ये दोनों साइडें बराबर हैं और ये दो के बराबर. ठीक है जी, चलिए जी अगला हमारा सेक्शन है दैट इज ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ये आपकी किताब वाला ग्राफ है. कहता है केल्विन स्केल इज डेवलप्ड बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस, आप देख रहे हैं टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस, एंड वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस अलोंग वाई एक्सिस. कहता है स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड व्हिच कट्स द टेम्परेचर एक्सिस एट -2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज पॉसिबल ओनली, कभी काटेगी नहीं. ओरिजिनली जब भी आप ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं, ओरिजिनली ये ग्राफ किस तरह होता है, ये जो है ना यहाँ से ये ऐसे होता है, क्योंकि कभी किसी गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं होता. तो हम क्या करते हैं, हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लेट इजाफी प्लेट खींचते हैं, तो ये जीरो ऑफ द केल्विन है और ये -273.16 है ऑन डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है जी, ये ग्राफ मैं नया बनाऊंगा, ग्राफ की जो डायग्राम है एक्चुअली मैं इससे मुतमिन नहीं हूँ, आज मैंने अभी नोट्स भी इसलिए अपलोड नहीं किए. ये ग्राफ मैं नया बनाऊंगा अपनी मर्जी से, उसमें मैंने एक दो चीजें और ऐड करनी है तो आपको पता चल जाएगा क्यों मैंने ग्राफ नहीं अपना. दिस इज पॉसिबल, दिस इज लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ये वाला जो टेम्परेचर है लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जो कभी अचीव किया जा सकेगा जबकि सब्सटेंसेस को गैस स्टेट में. एक्चुअली क्या होता है, सारी की सारी गैसें या लिक्विड हो जाती हैं या सॉलिड हो जाती हैं इस टेम्परेचर से पहले. ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे जी, सॉरी क्योंकि आज मैं मटीरियल पूरा तैयार नहीं कर पाया, तो आज इतना ही चलेगा, बाकी बातें इंशाल्लाह हम फिर करेंगे. कोई सवाल आज से मुतल्लिक, कोई सवाल नहीं, बिल्कुल सुम्मुन बुक सर, वो आपने लिंक सेंड किया था वेबसाइट का. जी जी, मैंने आपके ग्रुप में आपके नंबर पे सबको सेंड किया. ठीक है सर, अगर आपको मैं अभी आपको शेयर करके दिखा देता हूँ, एक मिनट मुझे याद आ गया, मैं आपको ना वो शेयरिंग करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप जो है उसको हासिल कर सकते. ठीक है, हमें सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल सकती है. जी जनाब, सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग YouTube पे मौजूद है और वो जो मैं अभी आपको गाइड करने जा रहा हूँ वहाँ पे भी सारा कुछ मौजूद है. एक मिनट बस, ये मैं आपको गाइड कर दूँ कि किस तरह से आप वहाँ पहुँच सकते हैं. जी, ये नजर आ रहा है सबको? जी सर. अच्छा, यहाँ ऊपर आप लिखेंगे afarfoundation.com, ये हमारी साइट ओपन हो जाए. ठीक है, यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज है, इसको मैंने चेंज करना है, ये ऑनलाइन क्लासेस करना है, इसमें ये लेक्चर्स पे चलेंगे. चलेंगे जी ऑनलाइन लेक्चर्स. ये बेटा जब आप लेक्चर्स में जाएंगे, चूंकि बाकी मेरे दोस्त कोई भी शेयर नहीं कर रहे रिकॉर्डिंग, उनको छमो आती है, तो ये केमिस्ट्री के सारे मौजूद हैं यहाँ. ये देख रहे हैं आप केमिस्ट्री की लेक्चर्स, ये येलो पे हाथ बन रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें. जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वही पिछला पेज खुल जाएगा. लो जी, ये देखें चैप्टर नंबर 1 के ये मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 2 के 4 लेक्चर्स हुए थे, ये चारों मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 3 के 2 हो चुके हैं, आज तीसरा है,
वो मौजूद है, ये अगले लेक्चर्स और हैं बाकी जो मतलब चले, और ये सारे के सारे वही हैं विचार अवेलेबल। और वापस चलते हैं जो डाउनलोड वाला है जो मतलब लेक्चर्स, उसका जो है वो उसका एड्रेस है थोड़ा सा वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इंग्लिश और फिजिक्स के लेक्चर नहीं होंगे आज के? वो आप टीचर से कहें वो जरा मुझे सिर्फ मेल कर दें तो मैं चढ़ा दूं, वो मेल ही नहीं करते। मैं उन्हें खालिद साहब को मैंने बड़ी दफा कहा रिकॉर्डिंग कर दें। फिजिक्स का आज का मैटर क्या है, वो तो फिजिक्स के तो वहां पे मौजूद है। ये देखें ये वाला पेज 1918, ये देखिए सिर्फ आपने पेज 1918.htm लिखना है, ठीक है, vaafoundation.com के बाद। तो ये आपके पास सारे का सारा ये मटेरियल अवेलेबल, ठीक है, ये फिजिक्स के चैप्टर 1 चैप्टर 2 के नोट्स प्लस हैंडआउट जो उन्होंने चैप्टर 2 के दिए हैं, ठीक है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर 1, 2, 3, ठीक है, थर्ड आज अपडेट नहीं हुआ, ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ से खोले जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक भी ये पेज खोलने तो यहीं से आपको ये डाउनलोड्स में जाके आप ये डाउनलोड कर, ठीक हो गया जी। सर अब जब निकालना होता है कि ऑनलाइन होना होता है तो उसके लिए हमें जूम मीटिंग पे जाना पड़ता है, वैसे ये नहीं निकला फॉग फाउंडेशन। जूम मीटिंग में नहीं जाना पड़ता बेटे, आपने ब्राउजर में जाना है आपके कंप्यूटर के। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जो आपका ब्राउजर होता है ना कंप्यूटर का, जिसको आप क्रोम कहते हैं जी। बेटे क्रोम में जाना है, आप क्रोम में जाके यहाँ आपने एड्रेस लिखना होता है faafoundation.com, यहाँ आप इधर लेक्चर्स में चले जाएं, ऑनलाइन कोर्सेज में लेक्चर्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ आप नीचे आएंगे तो ये केमिस्ट्री के लेक्चर्स ये सारे के सारे मौजूद। सर नहीं तो ऑनलाइन अभी जो हमारी क्लास मीटिंग हो रही है इसी के लिए जाना पड़ता है उसमें। वो फॉग पहले आता था कि फॉग फाउंडेशन का डाउनलोड कम करते थे तो उसके बाद आ जाता फॉग फाउंडेशन कसूर कैंपस करते थे तो फिर हमारी मीटिंग्स हम मीटिंग में आ जाते, हमें जूम तब डाउनलोड कर, लेकिन अब वो नहीं आता है, अब हमें सीधा पहले जूम मीटिंग में जाना पड़ता है तब जाके हमारा एंटर हम एंटर होते हैं क्लास रूम में जी जूम मीटिंग में। हां वो जूम मीटिंग का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही है जिसमें आप अब आ रहे हैं, इसका ओरिजिनल प्रोसीजर यही है कि आप जूम के सॉफ्टवेयर को या जो भी उसकी ऐप है उसमें आप नंबर दें और फिर उसके जरिए एंटर हो, ठीक हो गया जी। कोई और मसला? एक्स्ट्रा क्लास होनी है? हाँ जी एक्स्ट्रा क्लास होगी 15-20 मिनट के बाद, 5:05। अहिरा इंग्लिश की क्लास हुई है आज? मैंने नहीं ली, इसकी नहीं हुई है आज, और बायो की